यूपी के एक राजनीतिक दल जो इस समय में यूपी की सियासत में एक अहम भूमिका निभाती थी, वो आजकल अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन कहते हैं ना, समय कभी बराबर नहीं होता। एक पार्टी जिसको कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन समय आते आते आज वो अपने कोर वोट को भी नहीं बचा पाई है, और जिसका कभी यूपी की सियासत में अच्छा खासा प्रभाव होता था, वो अपने ही घर में 2024 के चुनाव में महज 5% वोट पर सिमट गई। वो कोई और नहीं बल्कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी है। अब हम लौटते हैं खबर पर। आखिर मायावती ने अपने सियासी दुश्मन अखिलेश यादव को शुक्रिया क्यों कहा? दरअसल मामला एक डिबेट का है। मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी ने एक न्यूज चैनल डिबेट के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। फिर क्या, इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया और राजनीति शुरू हो गई। ये मामला भाजपा और बसपा तक सीमित नहीं रहा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस बीच कूद पड़े और उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राजेश चौधरी को बीजेपी से बाहर करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मायावती ने अखिलेश के इस ट्वीट पर पोस्ट कर उनका आभार जताया और बीजेपी से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इस विधायक की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की पूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वाली के प्रति कितनी कटुता भरी है। अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के आरोप लगता है कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। बीजेपी विधायक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उनके लिए हमारी पार्टी आभारी है। मैं बीजेपी से इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूं। अगर वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उनका भी इलाज जरूर करवाना चाहिए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि अगर भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोर कार्रवाई भी सख्ती से नहीं करती तो उसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त करके और वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे।